अस्सलाम आ गए हैं दोबारा से अपना रिव्यू करने के लिए। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, वॉच आर वीडियोस और फेसबुक पे भी देखें, हर जगह पे देखें, एवरीवेयर ब्राउन मंडे ट्रेवल्स, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, एवरीवेयर। आज थोड़ी बात करेंगे हम अपनी क्या कहते हैं पाकिस्तान के अभी कोचेस के बारे में, जो कि कभी मसला खत्म ही नहीं होके दे रहा है मसला है कश्मीर में। हाँ, और चीफ सेलेक्टर की एज यूजुअल वो भी बात करेंगे। बात करेंगे अपना जो है वो हमारे रमीज राजा साहब ने भी कोई अपनी एडवाइस दिया तो उस पर भी बात करेंगे कि भाई अब आप इतनी बाद में आके टीवी पे आके और यूट्यूब चैनल पे आके रमीज स्पीक्स पे आके बातें करनी शुरू हो गए। शादाब खान जो उन्होंने बोला कि भाई बड़े स्कैंडल हो रहा है तो मैं भी जरा अपनी टाई द नॉट कर लूँ, शादी कर लूँ, वो भी बात होगी। एंड लास्ट बात हो गई होगी अपनी क्या कहते हैं एशिया कप की, एशिया कप में जो मसले चल रहे हैं वो बात होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट, चलो भाई लेट्स शुरू करते हैं। सिलेक्शन कमेटी करते हैं, पहले सिलेक्शन कहते नहीं करते थे, वो तो एक रिपीटेटिव चीज हो गई है, सारी चीज वही है, रिपीट हो रही है, सॉल्व हो गई है, कोई मसला सॉल्व नहीं की तरह रोजाना नई की नई खबरें आती रहती हैं। तो सिलेक्शन कमेटी में यही है कि अपना वो हारून रशीद जो है उस वापस से आ रहा है, वो अरशद दराज से मतलब 20 साल से मैं देख रहा हूं। हां, अमीन वो सिलेक्शन कमेटी में आ रहा है, चीफ सेलेक्टर, चीफ सेलेक्टर आ रहा है, चीफ सेलेक्टर इंजमाम होगा सिलेक्शन कमेटी के अंदर उसके साथ। और बाकी राशिद लतीफ का, शोएब अख्तर का नाम रूल करी है, वो भी आउट हो गए। मुझे ये समझ नहीं आया कि 18 से इतना खबरें घूमने के बाद और इतना कि भाई इतनी कॉलें चल रही हैं, ये बातें हो रही हैं, वो हो रही हैं, फिर एकदम से मामला ठंडा हो गया। मेरे ख्याल में वही जो हमने पहले बात करी थी कि जो एक्चुअल प्लेयर्स हैं, शोएब अख्तर ले लो आप, राशिद लतीफ ले लो, ये नहीं चाह रहे कि आए और ऐसे ऐसे मुकाम पर आए कि इवेंचुअली उनकी जॉब ही चली जाए, तो वो एक वजह है। हाँ, ऊपर से शोएब अख्तर बंदा और राशिद लतीफ दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग लोग हैं। शोएब अख्तर की तो मूवी भी आ रही थी ना, उसने वो कैंसिल कर दी, कैंसिल कर दिया, फटा हो गया। तो वो स्ट्रॉन्ग लोग हैं। अब जैसे आपने शाहिद अफरीदी के साथ हुआ है, शाहिद अफरीदी ने बोला भाई ये बंदे को नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, मैं तो मैं गारंटी देता हूँ शोएब अख्तर राशिद लतीफ यही ड्रामे करेंगे, यही बातें करेंगे, और ऊपर पीसी भी बोलेगा नहीं ये हमारी मर्जी है, हम ये हम ऊपर से पर्ची भेज देगा भाई इसको टीम में होना चाहिए, वहां से अख्तर या जो भी होगा कहेगा मुझे इसको नहीं चाहिए टीम में, फटे होंगे, फटे होंगे। तो रिजाइन कर देंगे। और फिर उनका ये होगा ना कि भाई वो इतनी बातें बोल कर आए कि हम लोग अगर हमें ये हम हमको रमीज राजा वाज़ द चेयरमैन, उसके हाथ में बहुत चीजें थी, वो उसकी अपनी गलती है। ये चीफ सेलेक्टर बन के अगर आएंगे तो उसमें मसला सबसे बड़ा ये है कि आपके जो जो चेयरमैन साहब हैं वो कुछ भी बोले आपको इवेंचुअली यू हैव टू लिसन, तो वो बड़ा मसला चल रहा है। मगर सुनने में ये भी आया है कि चीफ सेलेक्टर या फिर चीफ सेलेक्टर के अंदर आपके इंजमाम का नाम भी आ गया है वापस अब, और दैट कुड बी अ गुड थिंग। मेरे ख्याल में इंजमाम ने पहले अच्छा काम किया था और इंजमाम चीफ सेलेक्टर उसने 2017 में अच्छा काम किया, इंजमाम को वापस लाना चाहिए। ये हारून रशीद साहब का तो मुझे लगता है ये वो पुराने जमाने की मेंटेलिटी है, ये टुकटो को सपोर्ट करेंगे और फिर वो पाकिस्तान वहीं का वहीं रहेगा, तो आई डोंट रियली थिंक ये अच्छा ऑप्शन है। आई थिंक हारून रशीद जो है ना वो एज अ वही जैसे बोलो सीम द यस मैन चीफ सेलेक्टर उसके तौर पर आ रहे हैं कि भाई उनको टीम दे दी जाएगी और भाई ये टीम है, क्योंकि अब एक बंदा जब 20 साल टीम के साथ होगा तो यही होगा ना, इसीलिए 20 साल से टीम के साथ। और अपना कोचेस के अंदर जो है वो अपना बात आई है कि अपना कोचेस से बात आई है कि भाई पाकिस्तान जो है वो हमारे नजम सेठी साहब चाह रहे हैं कि कुछ भी हो उनको कोई फॉरेन कोच मिले, मगर वो नहीं मिल पा रहा है, तो उन्होंने बात तो यही हो रही है कि सकलेर मुश्ताक साहब जो है वो रिटेन करे जाएंगे और शॉन टेट को भी बोला जाएगा प्लीज भाई आप अपने आंसू वापस ले लें और वापस आ जाएगा। मेरे ख्याल में क्या पता आ जाए, बेटी की शादी भी तो करानी है ना, दामाद की ट्रेन, दामाद की कोचिंग करनी है, बड़ी बेटी भी है एक, वो 12 साल वाली थी जिसने सकलेर मुश्ताक को बहुत जबरदस्त खूबसूरत खातून बना दिया था, तो मगर अभी जो जो बड़ी वाली है उनकी सुनने में आया कि भाई अपना बात चल रही है, एंगेजमेंट चल रही है अपना शादाब खान के साथ, तो ये भी हो सकता है। और अपना हमारे साथ साथ कह रहे हैं उसका शाह मसूद साहब,
उन्होंने भी शादी कर ली, उन्होंने बोला भाई मैंने भी स्कैंडल से बचा, टाई हो गया उसका, टाई द नॉट, उसने कोई उसको बावले को बावली मिल गई और तो वो भी हो गया है। अदर देन दैट अब क्या कहते हैं, मेरे ख्याल में नेक्स्ट बात हम करना चाहेंगे एशिया कप की। एशिया कप का बताओ भाई, एशिया कप भाई वहीं का वहीं अटका हुआ है अभी तक, मैं ऐसा सोच भी नहीं हुआ ना, तो इस बात पे कोई एग्री हो रहा है कि भाई आधा दुबई में करो आधा पाकिस्तान करो, कोई बात पे एग्री हो गई जरा, वो असल में मसला सुन रहा है, एग्री तो जब होंगे ना, जब एक तरह मिलके बात करेंगे, मिलने को आता ही नहीं है। जयशाह जयशाह साहब जो है वो मेरे ख्याल में अवॉइड कर रहे हैं नजम सेठी को, या तो अवॉइड कर रहे हैं या फिर आई गेस सेठी के बड़े से ताल्लुक है इंडिया से। हाँ मगर मे भी उनका वो इलेक्शन होने वाला है ना, मे भी वो बोल रहे हो कि भाई इनसे मिल मिल लिएंगे वो बुरा लगेगा ये वो, तो वो भी है कि ये अपना जैसा साहब प्लीज आप हमारे नजम सेठी को थोड़ी घास डालें। नजम सेठी कल एक कोई धुए धमाकेदार कॉन्फ्रेंस करने वाला है। हाँ, हाँ, ये सुनने में आया है नजम सेठी कल कॉन्फ्रेंस होगी, तो नजम सेठी की कॉन्फ्रेंस होगी और फिर देखते हैं क्या होता है उसमें, बम जंप पड़ेंगे उसमें। तो अपना लास्ट और क्या बात करनी थी, एक और वो भी रमीज आजा की बात करनी है। रमीज भाई स्पीक्स, जीतने नहीं देता और वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग खेलता है, अच्छा खेलता है। तो हमारे इंडिया में वर्ल्ड कप ना हो, रमीज भाई जो है ना अभी आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, पहले जो है रमीश भाई जो है बस बकवासें आवाजें लगाई हुई थी बेकार की, आई थिंक उस वक्त कुछ करना चाहिए था, अपॉर्चुनिटी मिली थी। आई मीन किस हिसाब से करना चाहिए था यार, देखो I mean, टीम का ग्राफ तो नीचे गया, लेकिन वो जिस तरह से बातें कर रहा था कि भाई हम इंडिया आकर अगर नहीं खेलेगा तो हम भी उधर नहीं जाएंगे और ये है और वो है, उस पर तो वो कायम रहा था थोड़ा बहुत जब तक, लेकिन अभी तक उसका वो नहीं हुआ था, अगर जब अगर वो रहता तो पता चलता है कि भाई वो कितनी कितना पानी में उसकी ये बात है। अभी उस पे वो कायम रहा, मगर देखो एडियनर दे आपके टीम पे भी तो होता है ना, अब उसने टीम का जो है वो यू नो बस तबाह कर दिया था, टीम को रेड लगा दी थी टीम की, तो एक तरह से रमीज भाई ने जो है वो प्रीटी मच ओपन हैंड दे दिया था, जिसको लेना है लो तुम भाई तुम्हारी टीम है तुम बनाओ। बेकार की टीम बेसिकली खराब कर, बाबा साहब अच्छा लड़का था उसको मेरे ख्याल में करप्ट खराब कर दिया, गंदा अड्डा बना दिया, ऑप्शन देके किसी को भी बहुत जल्दी तुम ज्यादा पावर दे दो वो लूज कर लेता है अपना दिमाग, तो प्रीटी मच जो है ना बाबर आजम के साथ भी यही हुआ है, ही ऑल ऑफ अ सडन वो बिग डॉग बन गए, बिग डॉग बन गए, बिग डॉग अमेरिका में बोलते हैं बिग डॉग, अपना वो बन गए और फिर उन्होंने वो गंद करी इमाद वसीम को निकाल दिया, दोस्तियां बढ़ाई, दोस्तियां तो थी ऑलरेडी। अच्छा इमाद वसीम को क्या जाएगी, इमाद वसीम वापस आकर खेल सकते हैं अभी, वो तो एक न्यूज है कि इमाद वसीम वापस आएगा टीम में आएगा या फिर उसको परफॉर्म उसको इजाजत दिए कि नेशनल एकेडमी में चला जाए वो प्रैक्टिस करने के लिए, बोले टीम में आएगा वापस। अच्छा इमाद वसीम वापस आएगा, ग्रीन सिग्नल दिया बेसिकली, वो तो अनवर अली को भी दिया है, अनवर अली को भी दिया, अनवर अली तो नहीं आएगा वो कराची गया, नहीं नहीं सब आएंगे सब आएंगे सब आएंगे, अनवर अली आगे नहीं पहुंच पाएगा बेचारा, अनवर अली की जगह बनाना मुश्किल है, क्योंकि आपके अभी इफ्तिक चाचा इतना अच्छा चलना शुरू हो गया ना कि फिर वो आपको एक पावर हिटर की जब तक वो फेल नहीं होगा तो मैं कुछ कह नहीं सकता क्या पिच थी या क्या उसका वो था कि जिस पर उन्होंने इतने रन मार दिए इतने वो बना लिए हैं, क्या पता कि पिच ही पूरी फ्लैट हो उसके ऊपर, पिच की फ्लैट की बात नहीं है, मैंने देखा है गेम देखा है, असली में हुआ है कि फर्स्ट ऑफ ऑल देयर फील्डिंग सक्स, बड़ी घटिया फील्डिंग है, वो तो खैर फील्डिंग में छक्के मार रहा था। हाँ तो ऊपर से एक और चीज मैंने नोटिस करी है कि जो ग्राउंड था इन्होंने अपने लीग के लिए ग्राउंड को छोटे करे हुए, दैट्स वन थिंग, तो अगर आप ये बांग्लादेश प्रीमियर लीग देखें तो आप देखें कि जब छक्का लगता है तो उसके आगे जहाँ पे लोग बैठे हैं वहां तक कितना बड़ा गैप है, तो उन्होंने एक तो ग्राउंड छोटे करे हुए, ऊपर से फील्डिंग खराब है, शुरू में जो है आई बिलीव के आपने चाचा साहब का कैच भी छोड़ा था तो वो हुआ था, हाँ उसके बाद उसने मारा है मगर उसने फिर दबा के मारा है, उसने धोया है सही किस्म का कि उसने जो है ग्राउंड के बाहर भी छक्का मारा है, तो ओवरऑल चाचा अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं
और अनवर अली जो है वो वापस अभी भी आ सकता है, ये मेरे ख्याल में है कि उसको अगर ग्रीन सिग्नल मिला वापस आ सकता है, सरफराज भी वापस आ सकता है, बट इट ऑल डिपेंड्स, ये सब आएंगे वर्ल्ड कप के बाद, इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ बाबर डू इन वर्ल्ड कप में टीम फिल्टर हो जाएगी। अगर वर्ल्ड कप में बाबर अच्छा कर गया तो फिर बाबर विल कंट्रोल द टीम फॉर अ लॉन्ग टाइम, अगर वर्ल्ड कप में बाबर खराब हो गया, उसकी उसकी परफॉर्मेंस नहीं हुई, देन आई थिंक एवरीथिंग इज गोना चेंज, सब कुछ चेंज हो जाएगा। इमाद वसीम भी आ जाएगा आपके, सरफराज भी आ जाएंगे, अनवर अली भी आ जाएंगे, हर बंदा आ जाएगा, तो शर्जील खान भी आ जाएगा मेरे ख्याल में, तो आरोन मगर वो तो नजम सेठी पे बंदा है, सेठी साहब अगर उसको ग्रीन सिग्नल दिया कुछ पता नहीं क्या पता वो रिटेन हो जाए, क्यों नहीं होगा नजम सेठी, ये बात करते हैं ना, नजम सेठी क्यों नहीं होगा भाई, वो पीटे आ जाएगी तो तेरी सादगी देख तू क्या चाहता है, तेरी सादगी देख तू क्या चाहता है। हां वो भी तो हो गया, वो भी तो बात हमने बतानी है, डिपार्टमेंटल क्रिकेट इज कमिंग बैक, या उन्होंने ग्रीन सिग्नल दे दिया सबने कि भाई हम लोग जो है ना रेडी है डिपार्टमेंटल क्रिकेट स्टार्ट करने के लिए, सारे डिपार्टमेंट्स इनसे भी कांटेक्ट करा था और बोलता हम रेडी हैं कि कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ हम तुम्हारे साथ उन्होंने तो कह दिया, एक तो जो है अब डिपार्टमेंटल कदम बढ़ नहीं रहा वहां से तो जो उन्होंने ग्रीन सिग्नल दे दिया उस चीज का और डिपार्टमेंटल क्रिकेट स्टार्ट होने वाली है, विच आई थिंक इज अ रियली गुड थिंग, क्योंकि काफी जो लोग थे उनके उनका जो रोजगार था वो चला गया yeah. चक्कर में तो लाइक तकरीबन आपकी कितनी 15-16 टीम होती थी डिपार्टमेंटल क्रिकेट में, आपने उसको काट कर 6 टीमें कर दी थी, तो कितने लड़के थे जो बेचारे बेरोजगार हो गए थे इस चक्कर में, यहाँ आ रहे ये थे गलत पाकिस्तान, या आपने एकदम से चेंज कर दिया, अगर आपके पास कोई वो होता है कि भाई कोई प्रोग्राम होता कि भाई जो लोग वो होंगे हम लोग उनको इतने अरसे तक ये खिलाएंगे या सेकेंड लेवल पर रखेंगे या इस तरह से रखेंगे तो उनका जो है थोड़ा वो रहेगा, लेकिन एकदम से आपने खत्म कर दिया और बोला कि बस 6 टीम होंगी तो उसकी वजह से जो ना काफी लड़के बेचारे बेरोजगार हो गए थे, विच आई थिंक इज अ गुड थिंग कि अब जो है वापस आ रही हो क्रिकेट yep. तो क्रिकेट देखने को मिलेगी, पूल बड़ा होगा, प्लेयर ज्यादा निकल कर आएंगे और आई थिंक जिस तरह से अब पीसीबी के मैचेस जो है वो लाइव होते हैं और वो दिखाए जाते हैं यूट्यूब के ऊपर, उस तरह से हम लोग को देखने का मौका मिलता है तो क्रिकेट जो है ज्यादा होगी तो ज्यादा ज्यादा शायकीन बढ़ेंगे क्रिकेट के, ज्यादा वीडियोस लेकर आएंगे, ज्यादा वीडियोस निकलेंगी, ज्यादा ज्यादा वो मिलेगा, एक्सपोजर मिलेगा, लेट्स होप और मेरे ख्याल में बस यहीं पे, और कुछ है ये तो पूरा हमारी लिस्ट हो गई है, यहीं पे खत्म करते हैं, खबरें नहीं आ रही हैं, रिपीटेटिव एक चीज ना मेरे ख्याल में भूल गया, मोहम्मद हारिस ने आज भाई 44 रन मारे, मैच विनिंग परफॉर्मेंस करी है धुआंधार बैटिंग करके, और वो भी बड़ा अच्छा, उसका क्या ख्याल है वुमेन क्रिकेट का जो हारे ऑस्ट्रेलिया से, आई मीन वो तो यार स्टिल गुड यार, उन्होंने चलो जो भी 44 का टारगेट दिया, पाकिस्तान की जो ए टीम है मर्दों की उससे ज्यादा तो उन्होंने रन बनाए, 239 सम रन बनाए उन्होंने लड़कियों ने, तो दैट्स गुड मैन, 235 रन बनाए, वो भी सात आउट हुए, नहीं उसमें कोई चक्कर हुआ था ना मैन कार्ड शेड को चक्कर से, वो तो अंडर 19 वो अंडर 19 में हुआ था, तो भाई आई थिंक और पाकिस्तान की वो सॉकर सॉकर टूर्नामेंट के बारे में सऊदी अरब 1-1 से उन्होंने जो है वो टीम टाई करी है, दिन दिन दूर नहीं है जब पाकिस्तान की जो वुमेन टीम है वो मर्दों की टीम से ज्यादा अच्छा खेलेगी, क्या सॉकर की है क्रिकेट क्रिकेट की ऑब्वियसली सॉकर सॉकर तो भूल ही जाओ भाई, मगर मेरे ख्याल में वो दिन आने वाले हैं, बहुत अभी सॉकर तो लेडीज अच्छा खेल रही है ऑलरेडी पाकिस्तान में, क्रिकेट की वो तो ऐसी एशिया में खेल रही है ना, ये तो वर्ल्ड में अच्छा खेल रही है पाकिस्तान की जो वुमेन है ना, दे आर गोना लाइक स्टार्ट डूइंग बेटर, उनका गेम भी एकदम से चेंज हो गया है, इफ यू सी द हाइलाइट्स, छक्के छक्के मार रही है, एक जमाने में तो भाई हमारी पाकिस्तान की लड़की चौका मार दे तो हम तालियां बजा रहे होते थे, अब तो वो छक्के मार रही है लंबे लंबे, तौफीक उमर साहब जो ना हार्ड वर्क कर रहे हैं दबा के, तो टुकटुक प्लेयर है वो, हां तो भाई वो ऐसे ही वो खुद तो अबे जरूरी थोड़ी है कि जो प्लेयर टुकटुक को कटुकटुक ही सिखाए उसको टेक्निक पता हो, बताता है टेक्निक, ही वाज अ गुड टेस्ट प्लेयर दो, टेस्ट का अच्छा प्लेयर था वो, तो एनीवेज यहां पे खत्म करते हैं हमने वीडियो, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।